नमस्कार सभी को। और हमारे देश में कई ऐसे यूथ प्लेयर्स हैं जिनको डिफेंस की टीम से खेलना है ना, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इन टीम्स में खेलना है, ठीक है। और इनमें फुटबॉल करियर और आईएसएल का फुटबॉल करियर अगर हम देखें तो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो कई प्लेयर्स को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको सही तरीके से बता दूँ, ताकि अगर आप उधर कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएं और उधर फिर जाने का प्लान अच्छे से कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन पे आप उनकी वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आर्मी की अलग है, नेवी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, तो उन पे आप देख सकते हैं कि कब इसमें स्पोर्ट्स कोटा की जॉब निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे आप उसमें जाने का सोच सकते हैं कि भैया इस दिन वैकेंसी है, इसमें ये मांगेंगे, और ऐसा आप देख सकते हैं। फिर इसमें क्या है ना, एज क्राइटेरिया जो होता है, 22-23 तक आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें यंग प्लेयर्स चाहिए है ना, उनको बुढ़े तो चाहिए नहीं, इसलिए आर्मी में जा भी नहीं सकते ज़्यादा आपकी एज हो जाए, तो इसलिए आपको यंग एज में ही सोचना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ क्या है कंपलसरी, कि आपको नेशनल खेला होना चाहिए पिछले 1-2 साल के अंदर, ठीक है। या मतलब नेशनल के ऊपर जितना भी आप इंडिया इंडिया खेल लिया, और अगर आप इंडिया रिप्रेजेंट करके आते हो, जैसे आप अंडर 18 इंडिया से आते हो ना, अंडर 18 इंडियन फुटबॉल टीम से, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, मतलब आपके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर्स को तो और जल्दी ले लेते हैं ना, तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा। और देखिए मैं इसमें एक और चीज़ आपको ये बता दूं, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू नहीं जा सकता हूं, तो आप आर्मी में जाकर भी स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, पहले आपको आर्मी की सिलेक्शन जो ट्रायल्स होती है वो देना पड़ेगा, नॉर्मल आर्मी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपको उनके गेम्स वाले इवेंट्स जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, टैलेंटेड उनको लगते हैं, तो वो आपको उनकी टीम में चांस देंगे, तो ऐसे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए स्पोर्ट्स कोटा का मतलब क्या होता है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू सिलेक्ट होते हैं तो आपका मेन काम वहाँ पर स्पोर्ट्स खेलना है आर्मी की टीम से, ठीक है, और सेकेंडरी है जॉब। और देखिए एक आईएसएल, आई लीग या आर्मी की या नेवी या किसी भी टीम की बात करें, तो इसमें क्या फर्क होता है, आईएसएल वगैरह में क्या होता है, आपके परफॉर्मेंस से आपका करियर चलता है, ठीक है। अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं अच्छे दी, आपका क्लब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आप घर पे बैठे जाओगे, पैसे के बांधे होंगे। आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में अगर आप किसी टीम से खेलते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपके पास जॉब सिक्योर है, ठीक है। मतलब कि अगर आप इन केस 2-3 साल बाद इंजर्ड हो जाते, तो आपके पास टाइम है, 1.5 साल 2 साल में आप रिकवरी करके वापस अगर आ सकते हैं, या और ज़्यादा भी टाइम लेके अगर रिकवरी करके वापस आना चाहे तो आ सकते हैं, तब तक आपके पास जॉब है, आपकी जो सैलरी है वो तो आ ही रही है, उसको कोई कहीं नहीं छीन सकता, आपकी जॉब तो है ही, ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है। तो अगर कोई प्लेयर्स ऐसे देख रहे हैं कि भाई आईएसएल आई लीग में मेरे को पता नहीं कुछ भी है ना, ऐसा आता है दिमाग में, तो अगर इस टाइप से भी है तो वो इस टाइप से भी आर्मी की टीम्स देख सकते हैं, क्योंकि एक तो देखिए आपको देश को सर्व करने का भी चांस है ना, ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका तो यही है कि आप खेलने के साथ साथ देश को सर्व भी कर सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद एक और डाउट होता है कई लोगों के अंदर, कि जैसे स्पोर्ट्स कोटा में हम सिलेक्ट होंगे तो बस हमने फुटबॉल खेल के दिखाया और सीधे सिलेक्ट हो गए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पहले स्पोर्ट्स कोटा में पहले तो आप सिलेक्ट होंगे कि आप एक अच्छे प्लेयर हो, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जैसे आर्मी में फिजिकल होता है ना, वो होगा आपका उनके तौर तरीके के हिसाब से, कि आप उनके हिसाब से फिजिकली फिट है कि नहीं, क्योंकि आप सिर्फ उनकी टीम में नहीं जा रहे हो, आप एक्चुअली में आर्मी में जा रहे हो, तो आपका फिजिकल भी होगा और एक रिटर्न भी होगा उसके बाद, कि आपका मेंटल वो देखेंगे, आपका माइंड भी है कि नहीं, कि वो आप सर्व कर पाओगे कि नहीं उनके साथ, तो वो भी देखते हैं। लेकिन इसका रिटर्न जो होता है ना उतना टफ नहीं होता है ना, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए रिटर्न थोड़ा सा ईजी रहता है कंपेयर टू आप डायरेक्ट आर्मी में वैसे जाएंगे अलग से, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट है अगर आप बहुत अच्छा। और एक और बात, इसमें सीट्स बहुत कम होती है, अब आपको ही पता है कि आर्मी में वो पहले से तो टीम उनके पास होती है, उसमें उनको कुछ प्लेयर्स चाहिए होते हैं, तो सीट्स बहुत कम होती है, क्योंकि उनको आपको जॉब भी तो देना है, आपको आर्मी में आपकी नौकरी भी तो है, तो इसलिए वो दोनों चीज़ का तालमेल जब मिलता है उस हिसाब से उनकी सीट्स रहती है। और डिफेंस के टीम्स के ट्रायल्स कैसे निकलते हैं, ये बटालियन वाइज निकलते हैं ना, जैसे किसी बटालियन में उनको चाहिए हो तो वो अपनी बटालियन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए ऐसे ट्रायल्स निकाल लेते हैं, कुछ प्लेयर्स चाहिए, 5 प्लेयर्स चाहिए, 4 प्लेयर्स चाहिए है ना, उनको कभी विंगर चाहिए होता है, कभी फॉरवर्ड, ऐसा कुछ जो पोजिशन चाहिए होती है उस हिसाब से वो ट्रायल रख लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें आपको थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, ठीक है, मतलब 10+2 ये सब चीज़ें वो मांगते हैं, क्योंकि यार उनको ऐसा बंदा भी तो चाहिए ना जो थोड़ा हो कि मेंटली उनकी चीज़ें भी समझ पाए, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। तो आजकल तो स्वाभाविक सी बात है, इतना पढ़ा लिखा तो सभी होते हैं, लेकिन एक चीज़ पे याद रखना कि भाई
आपका जो जूनियर नेशनल या संतोष ट्रॉफी या इंडिया टीम अगर आपने खेली हो, है ना, जूनियर अंडर 18 वगैरह, तो वो आपने पिछले रिसेंट सालों में खेला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 10 साल पहले खेली हो, इससे उनको क्या मतलब, 10 साल पहले खेली होने से उनका क्या फायदा है ना, उनको तो अभी करंट में परफॉर्म करने वाला अच्छा प्लेयर चाहिए, इसलिए वो तुरंत के हिसाब से कुछ अच्छा देखना चाहते हैं इसलिए। और देखिए नेशनल वाले वहाँ लाखों जा सकते हैं ना, नेशनल तो कोई भी खेल लेते हैं, इसलिए आप कितना अच्छा वो लेके जाते हैं क्योंकि एक फर्क दिखता है। जैसे आप संतोष ट्रॉफी भी किसी अच्छी स्टेट की सर्टिफिकेट से जाते हैं तो सिलेक्टर जो है रिक्रूट कर रहा है वो तो देख रहा है ना, अच्छा ये बंगाल से संतोष ट्रॉफी खेला था, अच्छा ये मणिपुर से संतोष ट्रॉफी खेला था, है ना, ये कर्नाटक से खेला था, तो ये थोड़ा आपका फर्क उसको फिर क्या है ना, वो थोड़ा उस तरीके से देखते कि यार ये अच्छी टीम से आया है तो इसको हमको थोड़ा ज़्यादा देखना है ना, वो ज़्यादा टैलेंटेड होगा, तो ये चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और डिफेंस की जो टीम्स होती है ना, ये इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स खेलती है ना, किसी प्रोफेशनल लीग वगैरह में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा था कि मैं मतलब डिफेंस की टीम्स में जाके नेशनल टीम में जाना चाहता हूँ, इंडिया की या यूरोप जाना चाहता हूँ, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो डिफेंस की टीम्स में इंडियन सिलेक्टर्स स्काउटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, वो आर्मी का एक अलग, उनका स्पोर्ट्स कल्चर अलग है, डिफरेंट है एकदम, ठीक है। आर्मी में जो फुटबॉल वगैरह है ना वो उतना टेक्निकल उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जितना कि जैसे आप किसी प्रो क्लब को देखेंगे ISL वगैरह, वहाँ पर टेक्निकल को ज़्यादा, क्योंकि देखिए आर्मी में आपको भी पता है कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें होती है, तो वहाँ पे कोचेस भी कोई UFA प्रो लाइसेंस वगैरह नहीं होते, तो उनका थोड़ा सा स्पोर्ट्स कल्चर जो होता है ना वो अलग ही होता है। और वहाँ से थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे मैं इंडिया टीम में आना चाहता हूँ, ये आना करना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा टफ है क्योंकि स्काउटिंग वहाँ होती ही नहीं ना। इंडियन सिलेक्टर्स जहाँ जाएंगे, है ना, जो भी कोचिंग स्टाफ होता है उसमें स्काउटिंग के लिए जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, ISL में होते हैं, आई लीग में होते हैं, इधर होते हैं। और आर्मी की टीम्स किन टूर्नामेंट्स में जाती है, जो इन्विटेशनल ऑल इंडिया ये सब में जाती है ना, उनके खुद के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें इंडियन सिलेक्टर्स बिल्कुल नहीं जाते। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वहाँ से अगर आप इंडिया टीम वगैरह सोच रहे हैं तो ये, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं अभी तक आर्मी से तो कोई प्लेयर इंडिया टीम में इधर से निकल के आया हो पिछले 10-12 साल में तो आपने देखा हो, मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन टीम को देख रहे हैं वहाँ से ये थोड़ा टफ है। ये हो सकता है कि जैसे आप वहाँ पे बहुत अच्छा खेल रहे हो, आपको कोई पसंद कर ले I-League या ISL वाला, है ना, तो आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी अब आपके सवाल मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे कहीं से ऑफर आ गया, अगर मान लीजिए मैं डूरंट कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता हूँ सर्विसेज की तरफ से, ठीक है, अब मुझे ISL या I-League से ऑफर आ गया तो क्या मैं चला जाऊँ। देखिए यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ें, एक तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैं जॉब पे रहूँ और उधर चला जाऊँ। देखिए ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, कि आपको कहीं बड़े लीग से ऑफर आ गया वहाँ पे जाना है, ठीक है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को ISL वगैरह से ऑफर आया और वो गया हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसे केसेस हुए कि स्टेट लीग है तो पास की रेजिमेंट के कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे थे तो वहाँ से ऑफर आया स्टेट लीग में, तो क्योंकि वहाँ कुछ मैचेस खेलना था, है ना, तो स्पेशल परमिशन ली, है ना, और स्टेट लीग के थोड़े बहुत मैच खेल लिए और वापस आ गए। इससे क्या हुआ कि उन जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा मैच टेम्परामेंट मिला जो कि उनको आर्मी की जो टीम से कोई टूर्नामेंट खेलना होगा उसमें उनको थोड़ा फायदा देगा, है ना, वहाँ पे मैच एक्सपीरियंस लेने से। तो ऐसे कुछ परमिशन मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं जॉब पे रहूँ, इधर भी मेरी जॉब है आर्मी में और मैं ISL खेलने चला जाऊँ, ये अभी तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए आप इसको आप बिल्कुल पॉसिबल समझिए भी नहीं, क्योंकि आप देखिए आपको 7-8 महीने के लिए थोड़ी ना छोड़ सकते हैं और परमानेंट आपकी जॉब की आपकी सैलरी भी आती रहेगी, तो ये बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑफर आता है तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, है ना, डिफेंस की। और देखिए एक बार मान लीजिए आप डिफेंस की किसी टीम में चले गए तो ये मत समझिए कि अब मैं परमानेंट हो गया हूँ इस टीम में, है ना। देखिए आप जॉब पे तो परमानेंट है लेकिन टीम में परमानेंट है इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे गए हो, आपका का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे कई है फुटबॉल खेलने वाले, ठीक है, जो आपकी जगह लेने वाले, तो आपकी जगह जा सकती, तो आपको एकदम अपना परफॉर्मेंस देते रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते तो आपको फिर ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, समझ गए ना आप। तो वहाँ पे आपको क्योंकि लिया इसलिए क्योंकि आपको परफॉर्मेंस देना खेलने के लिए, अगर आप उसमें सक्षम नहीं होते तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ये स्वाभाविक सी बात है ना। तो मैंने आपको जो बताया कि एक इसमें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट ये है कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी है कि ISL में आपको इंजरी हुई, अब आपका करियर ख़त्म, अब क्या करोगे, है ना, खेल नहीं सकते। यहाँ पे आपको इंजरी वगैरह कुछ हो गई, मान ली परमानेंट इंजरी भी हो गई, तो ड्यूटी तो है, आप ड्यूटी कर सकते हैं, है ना, बहुत लंबी ड्यूटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा फायदा है। तो
आप इस तरीके से अपने घर में भी इस चीज को बता सकते हैं, अगर आप फुटबॉल में करियर बनाना चाहते हैं, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ISL इंडिया टीम, फुटबॉल में करियर आर्मी की टीम से, डिफेंस की टीम से भी तो बन सकता है, उधर से भी आप करियर बना सकते हैं। और बाद में आपको लगे कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं ISL में खेल सकता हूँ, मुझे इतना पैसा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बाद में रिटायरमेंट ले सकते हैं वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पर जैसे 5-6 साल खेल के अगर आपको ऐसा लगता है, तो ये मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करूँ कि आप ऐसा कर लिए, यूज़ करिए, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप डिफेंस की किसी टीम में जाएं, तो ये बहुत एक तो प्राउड की बात है, क्योंकि आप आर्मी के, है ना, आप आर्मी के एक सोल्जर बन जाओगे और एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो, तो कितनी अच्छी बात है। आप देखिए नीरज चोपड़ा भाई हमारे, राज्यवर्धन राठौड़ जी जो अभी खेल मंत्री भी थे, ये सब ये गए आर्मी में, है ना। फिर इनका टैलेंट था इनके पास, है ना। जैसे नीरज भाई के पास क्या था, जेवलिन थ्रो, राज्यवर्धन राठौड़ जी के पास क्या था, शूटिंग। तो देखिए ये लोग तब इस लेवल पे चले गए कि अब एक अलग स्पोर्ट्स पर्सन वाला, है ना, इनका इस वाला इमेज ज़्यादा बन गया। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आर्मी में जो है ना, टीम गेम के हिसाब से अगर आप सोचें, फुटबॉल, हॉकी या कुछ भी, इसमें उतना अभी तक सक्सेस रेट नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल देखें तो आप देख सकते हैं, इंडिविजुअली प्लेयर्स रेसलिंग में देखिए, शूटिंग देखिए, जेवलिन थ्रो हो गया, और भी आप देख सकते हैं, इसमें आप अगर देखें तो सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी अगर ये वीडियो देख रहा है जो इंडिविजुअल गेम खेलता हो, तो आप जो है डिफेंस की टीम्स में जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है। क्योंकि आर्मी आपका जो टेक केयर कर रही है, आर्मी कर रही है ना, डिफेंस कर रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, आपको बहुत बेनिफिट्स है, है ना। तो टीम गेम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी तक सक्सेस रेट उतना नहीं है कि वहां से निकल के इंडिया टीम, ये रेट बहुत कम है। और एक और मेन बात मैं आपको बताना भूल गया पैसों की, क्योंकि अभी तक आप ये सोच रहे होंगे सैलरी का क्या हुआ। तो देखिए सैलरी आपको कौन सी मिलेगी, जो आपकी ड्यूटी है वाली सैलरी। ऐसा मत समझिए कि मुझे ड्यूटी की और स्पोर्ट्स की दोनों की सैलरी मिला के तो खूब सारा पैसा मिलेगा, नहीं, उसमें आपको सोल्जर वाली पेमेंट मिलेगी, ठीक है। जिस पोजीशन पे आपका सिलेक्शन हुआ है कि आप फलाना, आपका ये जॉब है इसमें, ठीक है, वाली सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। और जिस रेजिमेंट में आप बिलोंग करते हैं वहाँ का जो भी अलाउंस रहेगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि आर्मी में जो होता है सैलरी स्केल सबका सेम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ का वहाँ का जो भी सोल्जर उसका सैलरी स्केल सेम है, इसमें रेजिमेंट वाइज आप जहाँ पे सर्व कर रहे हैं उसका अलाउंस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा, जैसे सियाचिन का सब बहुत ज़्यादा होता है ना, कोई बॉर्डर साइड होगा उनका अलग होगा, कोई दिल्ली वगैरह में होगा उनका अलग होगा, सबका अलग अलग है। तो उसी हिसाब से आप किस रेजिमेंट की टीम में खेलने वाले हैं उसके हिसाब से आपका अलाउंस होगा, ठीक है। तो ये समझ गए, तो आपकी सैलरी उस हिसाब से कहीं की बहुत ज़्यादा हो सकती है, कहीं की कम हो सकती है, तो उस हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है। तो सैलरी स्केल आप समझ गए कि ये रहेगा एक ही, लेकिन अगर आप जिस रेजिमेंट के रहेंगे उसके हिसाब से आपका अलाउंस मिला के वो कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरे आपके जो साथी रहेंगे दूसरे रेजिमेंट के फुटबॉलर्स, तो उनसे ऐसा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और एक और बात कि सर्विसेज की टीम बनती कैसे, जो लास्ट हम देखते हैं ना वो संतोष ट्रॉफी वगैरह में, देखिए जो डिफेंस है इसमें होता है टूर्नामेंट जो है ना, हर जोन में टूर्नामेंट होते हैं, फिर जोन से टीम सिलेक्ट होती है, फिर वो एक ऑल इंडिया टाइप का उनका फिर होता है। तो उसमें जो बेस्ट टीम होती है मोस्टली वो सर्विसेज को रिप्रेजेंट करती है संतोष ट्रॉफी में, ठीक है। तो इस तरीके से सर्विसेज की टीम बनती है, तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से कि कहाँ की रेजिमेंट ज़्यादा क्वालिफाई करती है हर बार, कहाँ की रेजिमेंट पर ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, तो आप उस रेजिमेंट की ट्रायल देने भी जा सकते हैं, जैसे अगर वैकेंसी निकलती है तो, ठीक है। तो आई होप कि आप सब जानकारी आपको मिल गई होगी कि आप डिफेंस में कैसे जा सकते हैं और जो भी है। और बाकी जो डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए आप जो है डिफेंस की जो वेबसाइट है उस पर जाइए, वहाँ पर आपको एकदम प्रॉपर क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या चीज़ रहती है, क्या नहीं रहता, हाइट कितनी चाहिए, ये सब जो भी है, मुझे उतना डीपली अब डिफेंस का क्राइटेरिया पता नहीं है साफ बोलूँ तो, बस मैंने आपको बताया कि वहाँ पे स्पोर्ट्स का क्या सीन रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो जानने में मदद मिलेगी, और अगर आप सोच रहे होंगे डिफेंस की टीम्स में जाने का, तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सोचने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, वहां पे क्या सीन रहेगा। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।